हमारे चैनल हिंदुस्तान केयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं। इससे पहले हमने लाभ हानि के पार्ट वन में हमने जान दिया था कि क्रेता किसे कहते हैं, विक्रेता किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है और लाभ प्रतिशत निकालना सीखा था। तो हानि प्रतिशत में होता है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम पहले तो हानि निकालेंगे और हानि तभी निकलेगा जब क्या होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। यानी हम किसी चीज़ को ज़्यादा दाम में खरीदेंगे और कम दाम में बेचेंगे तभी हमें किसी चीज़ की हानि होती है। अगर हम उसे कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और चूँकि लाभ हो या हानि किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य पर निकलता है तो नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य और गुना 100। तो यहाँ पे हो गया हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये इसका क्या हो गया, ये इसका सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया। अब इस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कमल ने एक कुर्सी 500 में खरीदी, उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, 500। कमल ने एक कुर्सी खरीद रहा, वो 500 में खरीद रहा, तो वो उसका हो जा रहा है क्रय मूल्य। और दीपक को 425 में बेच दी, यानी विक्रय मूल्य उसका हो गया 425। क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हानि होगा। तो हानि निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें क्रय मूल्य मिला है 500 और विक्रय मूल्य मिला है 425। तो घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7 और 1/2 इसको दे दिए तो 4। 75 रुपये का हमें क्या हो रहा, हानि हो रहा। तो अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमारा फार्मूला है हानि बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 500 और गुना 100। तो 20 से 20 कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा, 15 × 5 = 75 होता है। तो हमें हानि हो रहा है 15% का। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है और देखते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से संबंधित कि रमेश को एक किताब 225 में बेचने में 15% की हानि होती है। तो किताब का हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ पर दे दिया है कि विक्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है 225 और हानि दे दिया है कितना, तो 15%। ज्ञात हमें क्या करना है, तो क्रय मूल्य, ये अब कैसे निकलेगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहले एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि फार्मूला क्या होता है। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। यहाँ हानि प्रतिशत हमें ज्ञात है लेकिन हानि कितना है वो ज्ञात नहीं है। और हानि हम कैसे निकालते हैं, हानि हम कैसे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य माइनस करते हैं विक्रय मूल्य में। सिंपल तो ऐसे ही निकालते हैं, सिंपल हम तो ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य भी ज्ञात नहीं है, विक्रय मूल्य ज्ञात है और हानि प्रतिशत ज्ञात है। तो हम लिखते हैं हानि प्रतिशत हमें कितना पता है, तो 15% पता है। क्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया, माना क्रय मूल्य एक्स है, माना क्रय मूल्य एक्स है, जैसे x मान लिया और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 225 और हानि प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य पे ही निकलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा गुना 100। अब यहाँ पे हम 15 करते हैं और इसको हम इधर गुना कर देते हैं x में,
और फिर यहाँ इसमें गुना करते हैं तो 100x माइनस 225 डबल जीरो। अब इस हम 15 को इधर भेजते हैं, इसको हम इधर भेजते हैं, तो इधर भेजेंगे तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और 100x माइनस यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये इसमें से घटेगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, और एक दहाई इसको दे दिया तो 9 में से 8 जाएगा तो 85x। अब 85x, x का मान निकालेंगे कैसे, तो 225 गुना 100 में 85 से भाग देंगे। तो पहले हम सबसे पहले 5 से कटाते हैं, छोटा से शुरू करते हैं, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, 5 इकाई 5 और 5 दिया 15। अब 13 से कटेगा ये, तो हम कटा के देखते हैं, 4500 भागा 13, 13 का 13 तो 26, 13 39, 13 39, 15 में से 9 जाएगा तो 6, और ये कट जाएगा। अब क्या होगा, तो 13 55 होता है, 13 और यहाँ पे शेष आ जा रहा, लगभग क्या हो रहा, 346 हो रहा। तो हम क्या मान लेते हैं, एक और ले लेते हैं, तो 346.1, तो हम एक्सप्रोमेटली मान लेते हैं, मतलब इसका लगभग मान क्या हो गया, 300 होगा। तो इस तरह निकला, लेकिन ये है दशमलव में। एक तरीका और है जिसको, जिस पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं उस तरीका को। इस तरीका तो जो दिया हुआ है उस फार्मूला पे हमने बैठाया, दशमलव में मान आया और लगभग करके हमने इसे माना, लेकिन एक तरीका और है जिसमें हम क्या 100 मानेंगे, तो आइए देखते हैं उस तरीका। तो हमने उस तरीका से देखा तो उसमें हमें क्या पॉइंट में आंसर मिला, और उसको सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में भी लेंदी प्रोसेस था। तो आइए अब हम इस तरीका से देखते हैं कि इससे कैसे बनता है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखें, मान लेंगे कि किताब खरीदने में उसे क्या होता है, 15% की हानि होती है और 225 रुपये पे बेचता है। तो मान लेते हैं, माना कि किताब का मूल्य, ये मूल्य कौन सा है, तो ये क्रय मूल्य 100 है, 100 रे मान लिए किताब का मूल्य है। तो हानि होता है 15%, अर्थात कितना रुपया होगा, 100 का 15% हो जाएगा 15 रुपया। तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 15 यानी 85। तो जब विक्रय मूल्य 85 होगा, तो क्रय मूल्य 100 होगा। जब विक्रय मूल्य कम होगा तब, अक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो हानि होगा। तो विक्रय मूल्य जब 85 होगा तो क्रय मूल्य 100 होगा।
अच्छा, अब किताब का मूल्य, चूंकि जब किताब का विक्रय मूल्य एक रुपया हो तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 85 हुआ तो क्रय मूल्य 100, एकांकी के नियम पे चलेंगे। और जब विक्रय मूल्य एक रुपया तो क्रय मूल्य 100/85। इसी तरह जब विक्रय मूल्य ₹225 हो क्या दिया हुआ है? 225, तो क्रय मूल्य 100/85 गुना 225। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 से कटाएंगे तो बात वही आ गया ना, उसमें भी इतना ही आया था और उसमें भी इतना ही आएगा, तो 346.1 समथिंग आएगा। तो इस तरह से भी हमने इसको सॉल्व कर लिया और उस तरह से भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको भी हम लगभग मान 300 लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इससे थोड़ा हार्ड की तरफ चलेंगे और ट्रिकी क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसी तरह देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।